नमस्कार दोस्तों, विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फोक्सी फ्री में। लेके आया हूँ आपके लिए कमाल की वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे किसान भाई से जिसने गांव में रहकर अपना लोहा मनवा लिया है। बताऊंगा आपको योगेश जी के बारे में, जिन्होंने खुद अपनी कंपनी खोली है, अपनी कंपनी का खुद गांव में निर्माण किया है। वो ऑर्गेनिक गन्ना उगाते हैं और उस गन्ने से ऑर्गेनिक गुड़ बनाते हैं। गुड़ तो बनाते हैं दोस्तों, वो टॉफी भी बनाते हैं। जो गुड़ बनाते हैं अलग अलग फ्लेवर का गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, अलग अलग फ्लेवर का राव वगैरह सब बनाते हैं, टॉफी बनाते हैं। ये उनके दिमाग में कहाँ से आया, कैसे उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की, कितनी कमाई होती है और क्या क्या उनके आगे समस्याएं, जानेंगे सारा कुछ। ठीक है, बस दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और बात बात कर लेते हैं योगेश जी से। ठीक है, आइडिया कहाँ से आया कि ये अलग तरीके से काम किया जाए? भाई हम किसान हो, किसान ऊपर किसान देखा इसी वस्ते जिस गुड़ को हम बनाते हो उसे हम सही क्वालिटी में बनाया करो, सही रेट में बेचो तो करना किसानों को ठीक भाव मिला। इस हिसाब से दिमाग में सर, ये आपका जो आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं गुड़ शक्कर और राब और खांड, ये आपका कहाँ कहाँ पे सेल होता है? ऑल इंडिया और बाहर एक्सपोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। बाहर कितने देशों में होता है सर? 4-5 देशों में जा रहा है अभी, आज सुबह भी ऑस्ट्रेलिया गया। सबसे जरूरी सवाल हमारे दर्शकों को बताया कि ऐसा आपके प्रोडक्ट में क्या है कि आपका ये माल 5 गुना आम कोल्लू की अपेक्षा अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा महंगा बिकता है। परंतु कोल्लू की अगर बात की जाए, आम आम गुड़ की बात की जाए तो 3,000 रुपये कुंटल भी नहीं बिक पाता किसानों का। इसकी सबसे खास बात है क्वालिटी, साफ सफाई और इसमें कोई भी केमिकल नहीं लगता, जो नेचुरल है उसी हिसाब से हम देते हैं। फिर इसमें पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्ट है, सब चीज़ लगता है, कस्टमर को इस वजह से इतना महंगा पड़ता है। नेचुरल बनाते हैं आप? हाँ, और फ्लेवर भी बनाते हैं नेचुरल। जब फ्लेवर का कैसे है? पाउडर डालते हैं फ्लेवर में। कोल्लू बनाया इसमें आपका कितना खर्चा आया, कितनी लागत लगी? इसमें 7-7 लाख रुपये। सर सबसे अहम सवाल आपका जो मतलब जब गन्ने का सीजन होता है तब तो भाई चलो ठीक है, गुड़ शक्कर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, गन्ने से प्रोडक्ट बनता है। पर 8 महीने की गन्ने की जो फसल होती है, फिर 4 महीने जब सीजन ऑफ हो जाता है गन्ने का, तब आप क्या करते हैं? हम 4 महीने का स्टॉक करते हैं, होल्ड स्टोर में आप स्टॉक करते हैं, उसको फिर ला करते हैं अपने लिमिट के हिसाब, मतलब कच्चा गुड़ का जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूज करके दोबारा से मतलब रीपैकिंग करते हैं। दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को गुड़ या शक्कर को खरीदना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन भी ये अवेलेबल हो जाएगा और आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो मैं इस गांव का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन आप अमेजोन पे इन सारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी बिजनेस से संबंधित और किसानों से संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।